हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। अब मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ ब्रेकफास्ट खाना। तो मैंने सुबह ही बना लिया था दाल चावल रोटी, क्योंकि हस्बैंड को भी टिफ़िन देना होता है। अब वो हस्बैंड टिफ़िन लेके अपना ऑफिस चले गए हैं और बच्चों की आज छुट्टी है, तो वो थोड़ा देर से उठे थे। तो बच्चों की रोज़ नई नई फरमाइशें होती हैं, तो आज मैं उनके लिए बना रही हूँ सूजी वाली ब्रेड। सूजी वाली ब्रेड में मैं टमाटर प्याज बारीक बारीक कट करके डाल देती हूँ, थोड़ी सी मलाई, और अगर ज़्यादा ठीक लगता है तो उसमें हल्का सा दूध ऐड कर देती हूँ। नमक मिर्च, बस नमक मिर्ची डालती हूँ और ज़्यादा कुछ नहीं डालती हूँ। और ये सब मैं ब्रेड घी लगा के ब्रेड पे लगा रही हूँ और फिर तवे पे सेक के, तो ये बहुत अच्छा लगता है नाश्ता। तो बच्चों की तो वैसे भी सभी बच्चों की रोज़ नई नई फरमाइशें होती हैं कि मम्मी आज ये बना के दो, आज ये वो बना के दो। तो मैं ये इनके लिए नाश्ता बना देती हूँ, और उसके बाद मुझे ये ब्रेड नहीं खानी थी तो मैंने अपने लिए पराठे बनाए हैं। मुझे रोज़ रोज़ ब्रेड का नाश्ता अच्छा नहीं लगता है, ऐसे तो बच्चों को भी नहीं, पर छुट्टी वाले दिन इनको रोज़ नया नाश्ता चाहिए। तो ये बच्चों की ब्रेड बनाने के बाद फिर मैंने अपने लिए पराठे बनाए, और ये दोनों तरफ से सेक के और सॉस के साथ खाते हैं। तो इधर मैं अपने लिए पराठे बना रही हूँ। बच्चों को ये ब्रेड बहुत पसंद आती है और इजी नाश्ता है, एकदम बन जाता है। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज मैं अपने ब्लॉग की शुरुआत करती हूँ सुबह के 10 बजे से। अभी 10 बजे, 10:30 बज चुके हैं सुबह के। तो आज थोड़ी, कल से मेरी तबीयत ठीक नहीं है, कल से परसों से दो दिन से मुझे बहुत ज़्यादा कोल्ड हो रहा है, तो परेशानी हो रही है। कल तो मैं कुछ बहुत ज़्यादा परेशान रही और दवाई भी ली थी, तो कल से थोड़ा आराम है। तो सुबह मैं थोड़ा देर से उठी, और बच्चों की भी आज छुट्टी थी किसी चीज़ की, तो फिर आज थोड़ा काम लेट हो गया मेरा, नाश्ता लेट हो गया है। अब मैं नाश्ता करने बैठ रही हूँ, और बच्चों को भी मैंने ब्रेड बना के दे दिए, हस्बैंड का टिफिन दे दिया है पैक करके, खाना भी बन चुका है। आज भव्य की छुट्टी है, तो मैंने इससे बोला बेटी डाइनिंग टेबल साफ करो, कॉलिन से इसको साफ करते। आज मैंने डाइनिंग टेबल का कवर भी धुला था और बेडशीट भी धुली थी। तो बच्चों से वैसे थोड़ा बहुत काम कराना चाहिए, स्कूल टाइम में तो खैर टाइम नहीं मिलता है। और ये देखो, ये मेरी फ्रूट बास्केट, ये मैं मॉल से लेके आई थी, तो साथ में मैं भी करवा रही हूँ। पर यह है कि बच्चों को इस तरह काम करने की आदत होती है, छुट्टी वाले दिन थोड़ा बहुत काम कराना चाहिए बच्चों से। तो मैं इससे छुट्टी वाले दिन थोड़ा बहुत काम करा लेती हूँ, जैसे डस्टिंग करवा लिया, चलो चाय बनवानी है तो चाय बनानी, इसको चाय बनाने दी आ जाएगी। तो इस बहाने से बच्चों को काम भी आता है और आदत भी होती है घर के काम करने की। चल इसमें ये सारा सामान सेट, पहले वो भी। तो आज मैं आपको, आज मुझे सुबह हेयर वॉश करना था, पर मैंने आज हेयर वॉश नहीं करा सुबह के टाइम। अब मैं सारा काम करने के बाद हेयर वॉश करती हूँ। आज मैंने हेयर वॉश इसलिए नहीं किया है क्योंकि मुझे अपने बालों में कुछ लगाना था, और आपको भी बताना था कि मैं अपने बालों को मतलब कि चमकीला कैसे बनाती हूँ, और स्मूथली बहुत स्मूथ बाल हो जाते हैं और बहुत अच्छे लगते हैं। तो बहुत, अब मेरे बाल काफ़ी टाइम से रफ हो रहे हैं, मुझे इन्हें केयर करने का टाइम नहीं मिला, इसलिए आज मैं थोड़ा टाइम निकाल के अपने बालों को मैं लगाती हूँ। तो मैं अपने बालों में लगाती हूँ, हम घर पे ही नेचुरल तरीके से हेयर स्पा कर सकते हैं, तो आज मैं वही करने जा रही हूँ। इसलिए मैंने मॉर्निंग में हेयर वॉश नहीं किया था। मैं एलोवेरा मेरे लगा हुआ है ऊपर, ऊपर से एलोवेरा तोड़ के लाई हूँ, और उसमें बादाम का तेल, वो बादाम का तेल हो तो वो डाल लो, नहीं तो विटामिन ई के कैप्सूल और नारियल का तेल, इन तीनों को मिक्स करके। एलोवेरा का ऊपर का छिलका उतार के, ग्रीन पार्ट को उतार के, जो उसके अंदर वाइट वाइट पार्ट होता है, चिकना चिकनी लेयर जो होती है, उसको इसमें डाल लेते हैं। छिलना तो खैर बहुत मुश्किल से छिला जाता है क्योंकि वो स्लिप होता रहता है, लार सी होती है ना इसमें, तो ये। और घर का एलोवेरा ज़्यादा अच्छा होता है, तो हमारे घर पर लगा हुआ है नेचुरल, और इसमें मैंने गोले का तेल मिक्स कर दिया है और बादाम का तेल। आज मेरा बादाम का तेल नहीं है, तो इस बार मैंने विटामिन ई के कैप्सूल लिए हैं, तो 3-4 ये विटामिन ई के कैप्सूल डाल देती हूँ, फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लो। तो ये मैं फ्लिस का, मेरे पास चॉपर है, तो मैं इसमें ही
उसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ, मिक्सी नहीं निकालती हूँ छोटे से काम के लिए। ये मेरा बहुत यूज़फुल है, इससे मैं बारीक प्याज काटती हूँ, बारीक टमाटर, कुछ भी, मिक्सी हर चीज़ के लिए मैं मिक्सी नहीं उतारती हूँ, तो ये बहुत ही अच्छा है। देखो ये अब अच्छे से मिक्स हो गया है, अब इसको हम बालों पे लगाएंगे, एक एक लेयर करके हमें लगानी। मेरे बाल तो बहुत लंबे हैं तो बहुत मुश्किल से लगते हैं, अगर कोई दूसरा हो तो उसकी हेल्प से लगवाओ तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो मैंने ये आधा बाल करके पहले एक साइड लगाऊंगी, फिर उसके साथ दूसरे साइड, और इसको एक घंटा लगा के रखना। अब मैंने तेल लगा लिया है इसको, अब एक घंटा लगा के छोड़ना है, तब तक मैं और कुछ काम कर लेती हूँ। एक घंटे में मैंने बेडशीट धुली थी अपने रूम की और ड्राइंग रूम की, तो तब तक नहीं ये बेडशीट। फिर एक घंटे बाद मैं नीचे स्टीम लेने आ गई थी, नीचे मेरी जिठानी के पार्लर है तो उनके उनके पास स्टीमर है, तो मैंने सोचा चलो नीचे जाके स्टीम ले लेती हूँ। तो 10-15 मिनट मैंने ये स्टीम ली है, और वैसे जैसे ये ना हो तो तुम एक बड़े भगोने में पानी गर्म करके उसमें टॉवल भिगो के निचोड़ के अपने बालों को पूरा पूरी तरीके से कवर कर लो, और उसको आधा घंटा अपने बालों पर कवर रखो, तो वो भी सही तरीका है। तो फिर ये मैंने स्टीम ली 15 मिनट बैठ के। एकदम से काला बादल, कितना अंधेरा छा गया एकदम से दिन में भी, ये देखो इतना काला बादल आ रखा है। बारिश का रोज़ मौसम हो जाता है, पर गर्मी फिर भी बहुत ज़्यादा हो रही है, और आज तो इतना काला बादल आया है, हवा चल रही है, बस है नहीं रहा, और बादल इतना आ रखा है। तो बारिश का मौसम हो गया है और मैंने हेयर वॉश भी कर लिया है, अब कंडीशनर तो अगर नेक्स्ट डे करना है, जिस दिन तेल लगाते हैं उस दिन कंडीशनर नहीं करते। बस मैंने शैम्पू कर लिया है, कंडीशनर मैं परसों को करूँगी, तो उसके बाद बाल बहुत सिल्की हो जाएंगे। ये लाइट भी बंद करो, कौन सा दक्ष अभी खाना नहीं खाया तूने, जल्दी खाना खाओ, 3 बज गए हैं आज तो खाने में भाई, सिर धुलने में इतना टाइम, और अभी तो बाल गीले हो रहे हैं मेरे बहुत ज्यादा, अभी गीले हो रहे हैं, सोख के पता चलेगा कि कैसे हो। और मुझे जाना है शिव पुराण सुनने के लिए, यहीं घर के पास मंदिर में शिव पुराण हो रही है, तो आज मैंने सोचा सुन के आती हूँ। तो मैंने पहनी है साड़ी, और ये देखो मेरे बाल भी कितने अच्छे हो गए हैं। तो अब मैं जाती हूँ शिव पुराण सुनने के लिए, मैंने पहन लिया साड़ी। तो फ्रेंड्स अब मैं इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करती हूँ, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए जिसने सब्सक्राइब नहीं किया हो। तो मिलते हैं बाद में, तब तक के लिए बाय बाय।